नजदियों की धमकियों से डरे जो मुसलियों का कलेजा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज मदीने शरीफ में लाल रुमाल वाला मुझे देख चुका और मुझसे बात करने के लिए आया। तुम कादरी हो, चिश्ती हो, क्या हो? मैंने कहा मेरा नाम मोहम्मद एहसान है, क्या तुम्हें पूछना है? तो उस पर उसने कहा कि नहीं, तुम कादरी साबित करो। उस तरह की बात की तो मैंने कहा पहले अपना लाल रुमाल का तुम हदीस से साबित करो। तो उसने कहा ठीक है मैं साबित करता हूँ। फिर साबित यूँ किया कि ये लिबास इस्लामी नहीं है। मैंने कहा जब तुमने ही कबूल कर लिया कि ये लिबास इस्लामी नहीं तो तुमसे बहस क्या करे। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरे साथ किछोछा शरीफ के सैयद अबू बकर शिबली साहब भी मौजूद थे। जब मुझसे वो नाम पूछ रहा था तो हजरत ही ने बताया कि इन्होंने नाम तो बता दिया है आपका इनका। जी जी क्या नाम है? एहसान। क्या एहसान? एहसान मोहम्मद एहसान। एहसान पूरा नाम क्या? मोहम्मद एहसान बस। आगे कादरी चिश्ती नक्शबंदी कोई एतराज नहीं? पूछ रहा हूँ पूरा नाम नहीं बता रहे ना, कुछ एतराज है इसमें आपको? एतराज नहीं है, नाम पूरा नहीं बता रहे आप। अच्छा अगर अधूरा बताए तो क्या नाजायज है? तो पूरा नाम बताया अगर? हाँ नाम ही पूरा नहीं है। मोहम्मद एहसान का नाम नहीं, नाम मोहम्मद एहसान। माँ बाप ने बाकी कैसी पे हुआ है? तो मैं तो इनसे बात कर रहा हूँ, आप जवाब दे। जवाब इसलिए देना था हम तो चाह रहे थे आपको, उन्होंने बात करने का तरीका नहीं सिखाया आपको। नहीं नहीं तरीका मोहम्मद एहसान नाम है, अपनी कैसी से बात कर रहा हूँ। नहीं तो पहले आप ये बताइए कि आप मोहम्मद हम आपसे जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं मोहम्मद इनका हमको इल्म है, हमको इल्म से बात कर। नहीं आप मुझे ये बताइए आप भाई हैं दोनों? हाँ भाई हैं। आपका क्या नाम है तो इनसे बात करने दीजिए। मैंने अपना नाम बता दिया तो आपको कबूल करने में क्या हर्ज है? आप ये क्यों कहते हैं इसके अलावा और कुछ है कि नहीं, ये क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए? नहीं कुछ नहीं, कुछ अच्छी बात है। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है, मेरे बाप का नाम मोहम्मद इकबाल है, मैंने नाम बता दिया। आप इसके ऊपर कहते हैं कि आगे क्या है क्या नहीं है, कुछ आपका पर्पस है? अगर कुछ पर्पस है तो आप, अगर कुछ पर्पस है तो हम बैठ के डिस्कस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी आप मुसलमानों को रहबरी रहनुमाई कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह के कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से रहनुमाई करें अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबे किराम का रास्ता बताएं बेशक, इमाम हनीफा इमाम शाफी इमाम मालिक बिल्कुल इमामों का रास्ता बताएं कुरान के रास्ते। जी नहीं आप पहले ये बताइए आपका नाम कादरी है आगे? ठीक है एहसान कादरी। कादरी आप बताइए एक मिनट। जी जी अल्लाह ने कादरी बनने का हुक्म कहीं दिया? अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, पहले मुझे आप ये बताइए, आप देखिए आप बात करते मत जाइए, एक सवाल का जवाब दीजिए पहले। सवाल आप बात करना चाहते, अगर आप बात करना चाहते तो अभी बैठे रिकॉर्डिंग करते हैं बात करते हैं। मुख्तसर आप ये बताइए कि कुरान में ये लाल रुमाल कहाँ है? पहले इसका हदीस में ये लाल रुमाल कहाँ है? बस सवाल पे सवाल। अमामा अरब की इज्जत है, अरब की इज्जत अमामा है, आपने इज्जत को नीचे उतार दी है, ये कहाँ से लाए? आप आलिम नहीं जाहिल है, तो आप भी तो जाहिल हो, अगर आप आलिम होते तो ऐसी बात नहीं करते। बात करते अगर आप सवाल का जवाब दे दो फिर सवाल करो। देखिए मैं बहस नहीं, मैंने सवाल किया कादरी का जवाब दे दीजिए। मैंने आपने खुद ही जवाब दे रहा हूं, आपको मालूम है मैं कादरी सिलसिले का हूँ, आप बिना वजह सवाल क्यों करते? मैंने कहा यह गलत तरीका है इस्लाम से हट के, ये कौन सा सही तरीका है बताइए? लाल रुमाल बताइए, इसको हमने जी इस्लाम समझ के नहीं इस्तेमाल तो फिर तो इसका मतलब लिबास समझ, इसका मतलब और कादरी आपने तो इस्लाम समझ के इस्तेमाल लिबास का सुन्नत नहीं है क्या हदीस में? एक मिनट सुनिए, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो क्या हमारे आका दुनिया में लिबास का तरीका नहीं सिखाए कि आप अपनी मर्जी से लिबास पहनते हैं? अल्लाह क्या बात है यार, तो आपका अवामा कहाँ है? मैंने नहीं पहना टोपी भी तो सुन्नत है, इसको साबित कीजिए सुन्नत से। मैं तो टोपी भी पहना, इसको साबित कीजिए, क्या कह रहा हूँ इसको साबित कीजिए। आपने हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अमामा, आपने मेरी तस्वीर देखी होगी अमामा के साथ, देखी होगी आपने मेरी तस्वीर, आप मेरी अमामा की आप अमामा के साथ मेरी तस्वीर आपने देखी होगी, अमल उसके अमल उसके साथ अपने अमल अपने साथ अपने अमल अपने साथ इनको हर दिन से देख रहा हूँ, यही काम इसका हम भी क्या हुए इसलिए फिर नहीं मैं तो इंतजार में था इस आदमी हम हमारे आगे कल परसों ऐसे कर रहा है सुबह ये कल परसों ऐसे कर रहा है मालूम है मुझे हमारी कब्र में कोई नहीं है मौला माने अहमद रजा अरे कोई भी हमसे जीता नहीं है।